उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के साथ कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनआरसी बिल भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि अमरोहा पहुंचे वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश खन्ना ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, ऐसे लगभग 21 लाख लोगों को इस बिल के माध्यम से जो नया कानून बना है उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और ये एक बहुत ही बड़ा काम किया है। मोदी और अमित शाह ने इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। पिछली सरकार में फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, हम नई नई फैक्ट्रियां चलवा रहे हैं। उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद द्वारा कल होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा यह धमक प्रचार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है और इसे बकायदा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पास किया गया है और मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी पर किसी समुदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। किसी बिरादरी, किसी समुदाय, किसी जाति और ख़ास तौर से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहते हैं, उनके खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं है। विदेशों में अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के लोग रह रहे थे, जो हिंदू समाज के लोग रह रहे थे, उन लोगों को जब प्रताड़ना दी गई, उन लोगों के साथ नंबर दो का व्यवहार वहाँ किया गया, तो उन्होंने भारत में शरण लेनी चाहिए। ऐसे लगभग 21 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो जिनको इस बिल से फायदा होने जा रहा है, जिनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी, उन्हें सारे हुकूक, सारे अधिकार मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मोदी जी को और अमित शाह जी को और संपूर्ण सरकार को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बरसों की प्रतीक्षा के बाद इस बिल को यहाँ पर पास किया। 2003 में श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने भी इस बात की वकालत की थी कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जानी चाहिए। आज उन लोगों की जिंदगी में एक सुनहरा अवसर आया है कि हिंदुस्तान में उनको नागरिकता दी जा रही है इस बिल के माध्यम से। 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान पिछले 30 महीने में योगी जी की सरकार में किया गया। मैं समझता हूँ जी, देखिए समर्थन मूल्य में हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। पूरी ये चाहते हैं कि जो लोग अपने ज़माने में गन्ना मिल बंद करते थे, हमने उन बंद मिलों को चालू करवाया, हमने नई चीनी मिलों को चालू करवाया। आज मुझे खुशी है इस बात के कहने की कि इस वर्ष 30,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया हो गए वो गन्ना। गन्ना मूल्य को लेकर लोग सड़कों पर क्या कहना है आपका? मंत्री बताइए। एक मिनट भैया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।